भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, आज मैं आप लोगों को इंडियन रेलवे जो IREPS का साइट है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, इंडियन रेलवे को टेंडर भरने का जो प्रोसीजर है उसमें से जो ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। नया यदि आप कोई चीज़ यहाँ से ऑक्शन से परचेज करना चाहते हैं, मतलब डिपार्टमेंट से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं एज ए ऑक्शन के थ्रू से, स्क्रैप मटेरियल हो या कोई भी चीज़ हो, आप उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। यदि आप टेंडर के लिए इंटरेस्टेड थे तो मैंने उसका वीडियो बनाया है अलग से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ई टेंडर के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। ऑक्शन के लिए यहाँ से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिये ये साइट है IREPS.gov.in, यहाँ पे न्यू बिडर ई ऑक्शन का ऑप्शन है, यहाँ आपको जाना है। ये आपको जावा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज कर रहा हूँ, आपको भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज में करना है। ये जावा का वर्जन है, इसको आपको लेटर करना है, अपडेट नहीं करना है। ये आपको सबसे पहला प्रोसीजर होता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो आपको पहले ही करना है, विदाउट सेटिंग ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसके लिए आपको क्लास 3 का एक डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, वो भी ऑर्गेनाइजेशन। ये डिजिटल सिग्नेचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक होता है पर्सनल के लिए। तो आपको यहाँ पे जब भी आप डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल सकते हैं। यदि आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप हमारे से भी डिजिटल सिग्नेचर बनवा के ले सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है और ये एक आपको एफिडेविट का कॉपी लगेगा जो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एफिडेविट का एक कॉपी है जो आपको आपके स्टाम्प पेपर पे आपको नोटरी करके लेना पड़ेगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा, ये आपको लगेगा। इसमें सब डिटेल्स डाल के आपको आपका कंपनी का सील साइन मार के और इसको अपलोड करना है, और इसके लिए 10,000 रुपीज का चार्ज है जो आपको आगे दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक टू सिलेक्ट डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। ये मेरे सिस्टम का एरर है, आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहां पे आ गया। जिनका डिजिटल सिग्नेचर है ये क्लास 3 ऑर्गेनाइजेशन का ही होना चाहिए। कि आपको नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन देखते कैसे हैं तो देखिए यहाँ पे मैं ई पास का मेरा ये टोकन है, तो मैं ई पास का टोकन के ड्राइवर ऑफ मैंने खोला है और उस पे आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको देखना कैसे है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का या पर्सनल है। कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी डिजिटल सिग्नेचर बना सकती है, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, कोई सर, और पर्सनल भी बना सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैं डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम में देखिए सनशाइन पावर लाइन्स आ रहा है, ऐसे आपको आना चाहिए। यहाँ पे यदि पर्सनल आएगा तो वो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे यूज नहीं होगा, रेलवे में कहीं पर भी, ना टेंडर्स भरने के लिए ना ऑक्शन के लिए, कहीं पर भी आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आ गया मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का पिन ओके कर दिया, देखो ऑटोमेटिकली वो कंपनी का नाम जो डिजिटल सिग्नेचर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, डिटेल्स, यदि आपके पास कंपनी का वेबसाइट है तो वेबसाइट डालना है, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, चाहे GST नंबर हो, स्वाप एक्ट नंबर हो, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड का नंबर, प्राइवेट लिमिटेड है तो इनकॉर्पोरेशन नंबर, जो भी आपके पास कंपनी का MSME उद्यम जो नंबर है वो नंबर आप डाल सकते हैं। पेन नंबर, आपकी कंपनी का पेन कार्ड का नंबर, यदि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो पर्सनल पेन कार्ड। यहाँ पे आपकी कंपनी कैसी है पूछना है, तो मेरी कंपनी जैसे प्रोप्राइटरशिप तो मैं प्रोप्राइटरशिप, ये ईमेल आईडी आ गया। यहाँ पे एड्रेस,
पुणे से महाराष्ट्र का, या अपने अकॉर्डिंगली आप डालेंगे जिप कोड आपका, यहाँ पे मोबाइल नंबर। देखिए लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है, पर मोबाइल नंबर आपको डाल, ये जीएसटी नंबर, यहाँ पे जीएसटी नंबर मैंडेटरी आपको चाहिए ही। ओके, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, तो साइन इन सबमिट, प्लीज सिलेक्ट रेलवे नेम अंडर विच आर यू अप्रूवल। यहाँ पे आपको रेलवे का नाम चूज करना है, कौन से रेलवे में आप चूज करना है, तो आपको आपका रेलवे का डालना है जो आप किस रेलवे के अकॉर्डिंगली आते, नॉर्थ रेलवे, सेंट्रल रेलवे, किसके अंडर आप चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रायल है जो मैं ट्रायल ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको साइन एंड सबमिट पे कर। आपको आपके अकॉर्डिंगली रेलवे का नाम चूज करना है, जो भी आपके नियर बाई रेलवे होगा जहां से आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वहां, क्योंकि वहां पे आपको सभी हार्ड कॉपी लेके जाना पड़ेगा और वहां पे आपको सब हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रेलवे का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। साथ में 10,000 का एक चेक रहता है, डीडी रहता है, वो भी वहां पे डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा वहीं। तो आप कभी भी अपने नियर बाई जो भी नियरेस्ट है रेलवे ऑफिस वहां का आप चूज करें। ये देखिए आ गया यहाँ पे फिर से, ये सिलेक्ट SBI नेट बैंकिंग से, यहाँ पे चार्जेस नील बता रहा है, पर आपको यहाँ पे चार्जेस 10,000 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। एग्रीड एंड प्रोसेस। कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, नहीं तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता था और फिर आप यहाँ पे यूजर आईडी और लॉगिन से आप लॉगिन हो सकते हैं। इसको अप्रूवल के लिए जैसे आप वहां पे सब हार्ड कॉपी लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पे आपको सब डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद 1 से 2 दिन में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मेल पे आ जाता है, और फिर डिजिटल सिग्नेचर वही यूज करना है जो डिजिटल सिग्नेचर आप यूज कर रहे हैं, सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा, वहां से आप यूज करके देख सकते हैं। यदि आपको डिजिटल सिग्नेचर बदलना है तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर बदल सकते हैं। पासवर्ड आपको यदि रिसेट करना है, पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन भी है, पर उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।